हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज वन चल रहा है। फेज वन के अंदर आप लोगों की बेसिक रजिस्ट्रेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपने CUT के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होती है। वहां दूसरी तरफ पे आप लोगों का IPU यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज मिल गया और IPU यूनिवर्सिटी में भी मिल गया, तो मैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ और क्या मेरे को ऐसा हो सकता है कि मैं दोनों जगह ही अपनी काउंसलिंग अटेंड करूँ। तो जी हाँ, आप लोग दोनों जगह अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपको यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, देन आपका जो है जर्नी बहुत आसान हो जाती है यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट राउंड में सीट सभी एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद सीधा अपग्रेड का प्रोसेस आ जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप फर्स्ट राउंड एंड फर्स्ट राउंड IPU यूनिवर्सिटी दोनों को साथ में लेकर चलना। और मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज भी क्या करती है कि IPU यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के साथ साथ में चलती है। तो हर एक स्टेप पे जब भी आप काउंसलिंग अटेंड करोगे, आपको देखने को मिलेगा दोनों के रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर हो रहे होंगे, दोनों की जो है काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा होगा। तो इस दौरान आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग दोनों तरफ काउंसलिंग अटेंड करो। IPU यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर 60,000 rupees आपको पे करने होते, जो कि टोटली रिफंडेबल होते हैं। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनके अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप आराम से अपनी यहाँ पे से अपनी काउंसलिंग से रिमूव कर सकते हो, अपने आपको विड्रॉल ले सकते हो, आपका फीस जो है एज इट इज रिफंड हो जाता है। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को IPU में भी अपना एडमिशन रखना है और DU में भी काउंसलिंग अटेंड करनी है, तो आप लास्ट तक काउंसलिंग में जाइए टिल योर एडमिशन और आराम से आपको IPU यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है अगर आपका अच्छा रैंक आया हुआ है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और IPU यूनिवर्सिटी दोनों के पैरेलल एडमिशन प्रोसेस चलने वाले हैं। यहाँ पे कोर्सेज की भी प्रायोरिटी देखी जाती है, क्योंकि IPU यूनिवर्सिटी इज वेल नोन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BBA, BCA, BGMC और DU में इन कॉलेजेस के अंदर ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट लेकिन कम हो जाती है। IPU के पास नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो IPU यूनिवर्सिटी में ज्यादा बन जाती है एडमिशन लेने के लिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं बैकअप ऑप्शन भी लेके आने वाला हूँ कि अगर आपका IPU में भी नहीं होता है, DU में भी नहीं होता, तो आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है आपको एडमिशन लेने के लिए। और ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस बस स्किप मत करना, हर जगह आपको टाइमली अपडेटेड रहना है, चाहे डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, NSCUT हो, IPU यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आपको पार्टिसिपेशन अपना अच्छा करना है। काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, माहौल गर्म है और आप लोगों को अपनी काउंसलिंग पे बस पूरा पूरा फोकस करना है। काउंसलिंग ही आपको अपने कॉलेज में पहुंचाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।